तस्वीर में नजर आ रहे इस भोले भाले शख्स ने एक्टिंग की किताब बचपन से ही पढ़नी शुरू कर दी थी, लेकिन स्टारडम ने इन्हें ऐसे रास्तों पर पहुंचा दिया जहां बुलंदियों से ज्यादा विवादों में उलझ गए। जी हां, तस्वीर में नजर आ रहे ये हैंडसम नौजवान आज बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं। बॉलीवुड में जितना इनके स्टारडम और एक्टिंग के चर्चे हैं, उससे ज्यादा इनकी लव लाइफ सुर्खियों में रही। माँ और बाप दोनों ही बॉलीवुड के सुपरस्टार थे और जब बेटा बड़ा हुआ तो शोहरत के साथ साथ विवाद भी घर आ गया। तो अगर आप अब तक नहीं पहचान पाए तो हिंट के लिए बता दें कि इनकी 20-40 नहीं बल्कि 308 गर्लफ्रेंड्स थी। अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के संजू बाबा यानी संजय दत्त की। 29 जुलाई 1959 को सुनील दत्त और नरगिस के घर में संजय दत्त ने जन्म लिया। 1981 में फिल्म रॉकी से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले संजय दत्त अब तक 190 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन फिल्मों में संजू बाबा हीरो से लेकर विलन तक के किरदार निभा चुके हैं। रियल लाइफ में भी वो जेल की हवा खा चुके हैं। संजय दत्त का कॉन्ट्रोवर्सी से पुराना नाता रहा है। विवाद ही नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजय दत्त की गर्लफ्रेंड की संख्या सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। संजय दत्त की जिंदगी पर बॉलीवुड फिल्म संजू बन चुकी है। उनकी इस बायोपिक में उन्होंने खुद 308 लड़कियों से अफेयर होने की बात कबूली थी। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि संजय दत्त की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी था जब उनका अफेयर एक साथ 3 लड़कियों से हुआ करता था। संजय दत्त खुद के इंटरव्यू में इस बात का खुलासा कर चुके हैं। संजय दत्त ने 1987 में ऋचा शर्मा से शादी की थी। कुछ समय बाद उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया और वो इलाज के लिए अमेरिका चली गई। कहा जाता है कि इस दौरान माधुरी दीक्षित और संजय दत्त एक दूसरे के करीब आ गए थे। आज संजय दत्त की जिंदगी में पत्नी मान्यता दत्त है और वो हंसी खुशी अपनी मैरिड लाइफ बिता रहे हैं। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।